और अब बात करते हैं खारगोन की, जहां की कसरावत तहसील के खलटांका में इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही महाराष्ट्र राज्य परिवहन की यात्री बस खलघाट संजय सेतु पुल से संतुलन बिगड़ने के कारण नीचे जा गिरी, जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें 9 पुरुष और 3 महिला की मौत हुई है। दुर्घटना से मात्र 15 से 20 मिनट पहले बस ने होटल पर स्टॉप लिया था, जहां यात्रियों ने चाय और नाश्ता किया। तब यात्रियों ने सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन के मात्र 20 मिनट ही बचे हैं। 20 मिनट के बाद वो काल के गाल में समा जाएंगे। दुर्घटना के तत्काल बाद स्थानीय नागरिकों एवं गोताखोरों ने सराहनीय कार्य किया और प्रशासन भी तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। लगभग 12 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। तेज बारिश के बाद भी प्रशासनिक अमला पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव कार्यों में लगा रहा, लेकिन इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बच पाया। धामनोद में पोस्टमार्टम कर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर अब शवों की पहचान कराने का कार्य किया जा रहा है। कुछ परिवारों को इसकी सूचना भी दे दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शवों को परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राहत राशि की भी घोषणा की गई है। विराट 24 न्यूज के लिए खरगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। निकाली गई, कितने लोग बचा लिए गए? इसमें जो आज सुबह की घटना हुई है खलघाट पुल पर, इसमें 12 मृत शरीर निकाले गए हैं अभी तक, जिसमें से 9 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, जिनको पीएचसी धामनोद में रखा गया है। बच्चे लापता होने की सूचना भी सर मिल रही है। अभी जो अन्य जो संभावित बताए जा रहे हैं, जो जिन्होंने घटना को देखा है, उसके अनुसार अभी जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, एसडीआरएफ की हमारी टीम और पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है। इसमें कोई और अपडेट आएगी वो आप लोगों को बताई जाएगी। हादसे में कोई बचाया गया सर? जीवित निकला है? जीवित नहीं निकला है, 12 लोग मृत पाए गए हैं। किस तरह का रेस्क्यू में, अभी जैसे बारिश हो रही है सर तो कोई समस्या आ रही है? अब बारिश के कारण थोड़ा सा धीमा हो रहा है रेस्क्यू, लेकिन हमारी जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो पूर्ण तरह से सक्रिय है और हमारे पास पर्याप्त बल है। हम लोग अभी पूरा एरिया छान कर एक रेस्क्यू कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर हमारे जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी बहुत ही मदद मिली है समय पर, उसके अनुसार ही हम लोग अभी एक तीव्रता से जो भी शरीर निकाले गए हैं वो कर पाए हैं। सर, ये जो महाराष्ट्र के यात्री बताए जा रहे हैं जी, अभी उनका सब 12 में से 9 का चिन्हांकन हो गया है, उनके जो पता वगैरह नाम वगैरह का शिनाख्त हो गया है, वो कार्रवाई करी। सर, दुर्घटना कैसे हुई, कुछ स्पष्ट हुआ इसके बारे में? अभी चल रही है, वहीं पर जो खलघाट से पुल आ रहे थे, नदी आ रही थी, तो उससे हुआ है। सर, इसमें क्या प्रारंभिक जानकारी मिल रही है? अभी उसकी जाँच चल रही है। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के थे? अभी उसकी जांच चल रही है, उसकी पुष्टि पीएचसी धामनोद से ही हो पाएगी। ठीक, थैंक यू। सुबह 10 बजे की घटना है, हमने को सूचना मिली कि खलघाट ब्रिज से किया है, नदी में गिर गई है, आप पहुँचे हैं और रेस्क्यू टीम तो बहुत जल्दी पहुँच गई थी, क्योंकि बस वहाँ नीचे जो मेन पिलर का जो बेस है, वो पत्थर है, उसको गिरी थी। तो जो डेड बॉडी है, मैक्सिमम डेड बॉडी बस से ही निकली है, 13 लाशें निकाली गई और ऐसी संभावना है अभी इसको ऑथेंटिक एक दो और बॉडी पानी में मिल सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, ये अब तक स्पष्ट हो पाया सर कितने लोग सवार थे बस पर? देखिए, इसकी दर्याफ्त की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि और कोई डेड बॉडी शायद एक और मिले, इसकी अभी कोई संभावना नहीं है, तो मृतक की संख्या एक दो पड़ सकती है। सर, ये जो बॉडी कारण निकल के सामने आ रहे हैं सर, कारण तो बस तेज ड्राइव की होगी और ड्राइविंग बोर्ड के आई है, मतलब ड्राइविंग का फॉल्ट हो।